सम्मान बोध बाबा साहब डॉक्टर बाबा अम्बेडकर मानवर कांतिराम जी और को नमन करते हुए सबसे पहले जो यहाँ सबसे बुजुर्ग मानवर जी के साथ काम कर चुके हैं एडवोकेट भूप सिंह मेहरा जी को नमन करता हूँ, जय भी करता हूँ। इस वाक्शेर के जो जिनको मानवर काशीराम जी सम्राट कहा करते थे, सम्राट मणिराम बहलान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंजीनियर खेमचंद जी, बीडी भारती जी ये बीडी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश के महासचिव भी हैं और प्रबुद्ध अम्बेडकर क्लब के माध्यम से उन्होंने दोस्तों को बिहार बनाए हैं। श्री के पी चौधरी जी ये बहुत ही संघर्षशील हैं, जितने आप दिखते हो देख रहे होंगे उससे भी ज़्यादा संघर्षशील हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज के पद पर रहते हुए भी इतने सक्रिय रहते हैं कि इनकी तारीफ कितना की जाए कम होगा। आदरणीय डीवीसी के आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपके समकक्ष थे बहन नैना कश्यप जी, सूरज कटारिया जी, राजकुमार मौर्य जी, अमित मौर्य जी और तमाम साथी जो बाद में आए, मैं उनका नाम नोट नहीं कर पाया, उनको भी जय भीम करते हुए। साथियों अगर एक बात मैं नई बात बता दूं तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं शायद सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, ये अंदाजा मैं बहुत आप आसानी से लगा सकता हूँ। फिलहाल एक फैजाबाद जनपद है जो मैं सभी लोग जानते हैं, उसके एक गांव में रहता था और वहाँ पर हम आपको ये भी बताएं इतना वहाँ जागरूक लोग नहीं थे कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम बताओ। स्कूल का प्राइमरी स्कूल का एक टीचर प्रधानाध्यापक हो गया था उस समय, तो वो मेरे दरवाजे बैठ गए और काशी मानवर को बाबा साहब का नाम बताओ कि आप लोगों को जो वजीफा वगैरह मिल रहा है उनकी वजह से मिल रहा है। तो हम बच्चों छठवें पढ़ते थे, हमें समझ में आता नहीं था लेकिन नाम सुना था। दिमाग से मेरे पिताजी मिलिट्री में थे और नौकरी लखनऊ में लग गई, रिटायरमेंट के बाद सिविल सेवा में आ गए, तो मैं लखनऊ आ गया तो नाइन्थ से यहाँ मैंने एडमिशन कराया, तो हमको मालूम हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर थे। और जब से मालूम हुआ तब से मैंने उस लाइन पर उन पर विचार मंथन करने का काम पढ़ते ही रहे और पढ़ते पढ़ते नौकरी भी मिलना शुरू हो गई। हमको आठ नौकरियां मिली जिसमें से मैंने चार चौथी जगह पर रिटायरमेंट हमारा हो गया। तो इस नौकरियों के बीच मैंने बड़ा अजीब सी चीज देखा कि नौकरियां पहले इतना शोर शोर से लगानी पड़ती थी, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया नौकरी मिलना ही। तो किसी तरह से जो बाबा साहब की भावना थी, मैं बाराबंकी जाने लगा बाबा साहब के जन्मदिवस मनाने के लिए, फिर उनसे करते करते तमाम लोग उस जान पहचान हो गए। और फिर एक जीवन में हमारी बहुत अचानक बहुत बड़ी घटना हो गई। पहले तो मैं जिस बिरादरी में पैदा हुआ था उसी काम करता था, पासी बिरादरी जानते होंगे, सब राजा बताते हैं अपने। जब मैं गांव से लखनऊ आ गया तो यहाँ सारे पासी कहते थे कि वो तो राजा रहे, तो मैं अंदर में सोचता था कि यार राजा रहे, हमको तो वहाँ फैजाबाद में मालूम नहीं था, लखनऊ में मालूम हुआ। तो हमने कहा कैसे मालूम, तो उन्होंने कहा यहाँ तो 17 किले बने हुए हैं लखनऊ में राजाओं के, फिर बड़े स्कूटर से सारे किले देखकर, फिर लोगों ने बताया कि प्रदेश भर में हमारे किले हैं, तो प्रदेश भर में तमाम किले देख डाले। फिर इतना सक्रिय हो गया, इतना सक्रिय हो गया कि 20-25 हजार की मीटिंग तो बड़ी आम बात होने लगी और रामविलास पासवान जी ने मान्य हुए तो हमने 25 हजार लोगों की मीटिंग है, तो उन्होंने उनको सेकंड एसी का पास दे दिया, दो उससे घूमने लगे। फिर एक राम को बात कर रही उसको बड़ा आगे लगेगा आपको सुन करके, अभी मैं कहीं बैठा हूँ। मेरा अचानक जो है क्लास 3 से सीधे क्लास 2 में ट्रांसफर हो गया, तो काइंड ऑफ छोड़ गया, बीच में दो बच्चों को छोड़ करके मैं यूडीसी के कैडर में नौकरी करता था।
अचानक उनको अधिकारी बना दिया गया। तो जब ऑर्डर आ गया मेरे पास तो मैंने समझा कि भाई अभी तो मैं ग्रेड टू का भी टाइटल नहीं हूं, ग्रेड वन कैसे हो गया। इसकी जांच किया मैंने, बाबा साहब की कृपा की बात बताने जा रहा हूं। और जब जांच किया तो मालूम चला कि भाई आपका जो है ग्रेड टू में ग्रेड वन में तमाम पोस्ट खाली थी, 8 पोस्टें खाली थी और उसका प्रमोशन होना था बीपीसी हुई तो मैं केंद्रीय भंडारण निगम डिपार्टमेंट से यहाँ दिल्ली में भी पूरे देश में भी है तो उसी में नौकरी करता था मैं। तो मालूम क्या चला कि उस कैडर में कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं इसलिए उनका अधिकार, इसलिए तुम्हारा हो गया। तो हमने कहा कि तुम्हारा हो कैसे गया, इसी चांस में लगे हमें ज्वाइन नहीं किया मैंने तुरंत। तो मालूम चला कि मिनिस्ट्री फाइल गई, मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई इन्होंने जवाब दिया कि कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। तो एक आदमी है जो उसके तो अभी ग्रेडू ही नहीं हुआ तो कैसे क्या आगे कैसे होगा। तो भाई अगर आपको लिस्ट अप्रूव करवानी है तो इसको करके लाओ। फिलहाल हमको 9 साल का रजिस्ट्रेशन दिया गया और तब मैं अधिकारी बन गया। अब हमारे अचानक कोई बाबू से अधिकारी बन जाए तो दिमाग बिल्कुल हवा उड़ने लगे और हम इतने तेज काम करने लगे, समाज का भी काम और बाबा साहब का कृपा वाला काम, जो मेरे उनकी कृपा में इतनी ताकत है, उनके संविधान की दीनता जब इतना हमको मालूम हो गया तो मेरी स्पीड का कोई अंदाजा नहीं था। फिर क्या हुआ कि इसी बीच में जो है जब मैं अधिकारी हो गया तो और तेज से काम करने लगा। फिर मुझे मेरा ट्रांसफर दिल्ली कर दिया और दिल्ली ट्रांसफर जब कर दिया तो हमने सोचा कि भाई अच्छा काम करने के कोई अच्छा नतीजे नहीं, हमारी जगह दूसरा चित्र उभर दिया गया। और देखते देखते मैं बड़ा परेशान हो गया, वहां घर द्वार लखनऊ में बन चुका था। मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ किसी को अरोमा लगती होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ बाबा साहब की कृपा के निर्देश से हुई, कैसे मैं उनसे जुड़ा और कैसे उनके लिए आंदोलन में आ गया। तो हमने सोचा कि भाई लोगों एक बार मेरे काम पर रुकवा लिया, मैंने राष्ट्रपति चपरा से मेरा जानने वाला था, उसने दो चार मंत्रियों से चिट्ठी लिखवाई और काम पर रुक गया। फिर मैंने सोचा कि भाई ये परमानेंट कैसे लखनऊ में रहेंगे। तो लोगों ने बताया कि भाई कोई संगठन है आपका। फिर मैंने तुरंत अपने विभाग में एक ऑल इंडिया लेवल का संगठन बनाया, यूपीका में बना अध्यक्ष और काम चालू कर दिया। और काम इतने देर से चालू किया कि पूरे प्रदेश में छा गया और इसी बीच में 97 में आरक्षण खत्म होने वाला था, 5 अमेंडमेंट आदेश जारी हुए थे। तो मेरी जो स्पीड थी उसको जानकारी मिस्टर रामलाल थे उस समय, जिनका नाम उदी राजेश, इन्होंने हमको छोड़ लिया और यूपी की जिम्मेदारी दे दी। फिर आप समझिए कि जितना भी बड़ा आंदोलन हुआ सबसे ज्यादा मेरा चैलेंज होता था प्रांगण ग्राउंड में कि यूपी का आधा आदमी यूपी का आदमी प्रदेश है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि क्योंकि बामसेब की मूल से ये मेरा पहला समझिए भाषण है, इससे पहले मैं बामसेब जब बामसेब एक थी तो मानवर दास जाम भी लखनऊ जाते थे तो वहाँ पर बैडमिंटन होता है वहाँ कमरे में होते तो हम लोग मिलकर चले जाते थे। हमको क्या मालूम था इतना बड़ा आंदोलन तैयार कर देंगे, क्योंकि देखते देखते जब मैं चरम पर था तो उसमें बामसेब भी चरम पर था। फिर हमको 2015 में बामसे का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन था आगरा में 1997 में, तो हमको वहाँ बुलाया गया। तो वहाँ पर हमने मंच से यही बताया था कि 5 एंटी आरक्षण विरोधी आदेश हो गए हैं और उनको खत्म करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तब पूरा देश साथ में जुड़ गया और ऐसी स्थिति बन गई कि पार्लियामेंट चलने नहीं दिया गया, 3-3 संविधान हो गए, 81वां, 82वां, 85वां और उसके बाद में एक रह गया था वो अभी तक नहीं हुआ है, एक वापस हो गया वो भी नहीं हो रहा है। और जो हमारे नेता थे हम तो वही रहे, लेकिन नेता जी जो है वो अपना नेता बन गए, एमपी है दिल्ली से। तो इन परिस्थिति में हम लोगों ने काम किया और हमारे जब फिर 2001 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना था बहुत 10 लाख लोगों को बहुत धर्म की इच्छा, तो उसमें 50 का राज्य कम से कम हुआ यूपी शायद मेरे साथ।
पूरी आदित्य लाते रोक लिए गए। तो कुल मिलाकर के उस आंदोलन से इतना असर पड़ा पूरे देश में कि पूरी सरकार मिल गई और उसके बाद में सब तितर बितर हो गए। हम उसी आधार पर हमको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का यूपी का अध्यक्ष बना दिया गया। तमाम संगठनों जो ही मिलता है वो किसी न किसी संगठन जो भी संगठन है सभी संगठनों का अध्यक्ष हमको लगातार लोग बनाते रहते हैं और उसकी कोई गिनती नहीं है। तो सैकड़ों संगठनों में काम कर चुका हूँ, 4-5 सक्रिय संगठन है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को हम लोगों ने अहम संगठन माना है क्योंकि बाबा साहब स्वयं उसके संस्थापक थे और उसी में रहकर हम लोग कहते हैं कि जब तक ये देश बोध में नहीं होगा तब तक हम काशी रहेंगे, आप कोई रहेंगे, आप समारोह में रहेंगे। तो कोई समाज काशी का झगड़ा फिलहाल में तो आपको कोई हमारे क्या कह देता है तो उस पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। ये तो बता दिया इन्होंने तो हमने आपको इतिहास बता दिया। अगर हमारा इतिहास न बताई गई बुद्धिमन से तो मैं अपना इतिहास न बताता। तो अगर आप लोग भाई विचार खत्म करके एक लाइन पे आना चाहते हो, एक भाई बन के रहना चाहते हो, आपस में शादी विवाह का कार्यक्रम चलाना चाहते हो तो निश्चित रूप से जो मालवण जी का काशीराम जी का जो सपना है, जो बाबा साहब का सपना है वो निश्चित रूप से साकार होगा। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो संभव नहीं। हमारे अक्टर दमाद है पीजीआई में, उन्होंने अभी दूसरी काज की लड़की से जवाब देने के अनुसार की है, हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। हमारे एक चौधरी जी है उन्होंने भरतपुर में शादी की है महिला से, इन्होंने पेपर में निकाला था कोई जातीय बंधन नहीं है, इनको हम लोगों ने सम्मानित किया। जहाँ भी हमको मालूम होता है कि कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है, अब ये बोलो कि कोई ब्राह्मण यहाँ शादी करके कर ले तो नहीं करूँगा, गलत फहमी में नहीं होनी चाहिए। सिनोर बैकवर्ड को सिनोर का सो बैकवर्ड का एक ही चीज है दोनों, एक को रुपया मांगने का छूने का क्या है, एक को नहीं अंतर इतना है। थोड़ा जब समझ आ जाता है तो लोग इस समय अभी यूपी में जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो छूने वाले को ना छूने वाले को अंतर मालूम हो गया, एक हो गए मोदी गायब हो गए। तो कहने का मतलब है इसमें कोई ताकत है, अगर ये सिनोर का बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग मिल जाएंगे तो हमको आपको न तो पॉलिटिक्स में कोई रोक पाएगा न सामाजिक संगठन में कोई रोक पाएगा। बाबू जी सामने बैठे हैं, अक्सर मिलते रहते हैं, जो बड़े आंदोलन में हमने कहीं ना कहीं देखा होगा, इन्होंने भी हमको देखा होगा। तो जो भी पुराने लोग हैं हमारे पास 15 साल से सफेद हैं, कम से कम हमें तक 25 साल हो गए। जिस तरह के बाल इस समय 25 साल पहले बेचे थे इसलिए पहचान अभी बनी नहीं है। तो भले चेहरा बदल गया होना लेकिन बाकी आवाज और सर के बाल सफेद हैं, आवाज भी वैसे है। तो संगठन क्षमता थोड़ा कम हो गई है, 2015 में रिटायरमेंट हो गया तो हम लोगों ने सोचा एक और एक्सपेरिमेंट किया। हम लोगों ने भारतीय जी को भी ले गए थे, हमने सुना बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई थी, रामदास अठावले बड़े क्लोज थे हमारे उस समय आंदोलन जो आरक्षण बचाओ आंदोलन था उसमें बड़े सक्रिय भूमिका रहती थी हमारे साथ उनकी, तो उन्होंने भाई मेरी पार्टी संभाली है उनकी पार्टी में शामिल हो गया। तो इस सच्चाई क्या हुई, जब मोदी जी जहाँ मीटिंग लगती थी हमको 2 दिन पहले मिल गए, वहाँ भेज दिया जाता था क्योंकि तमाम कर्मचारी अधिकारी पुराने काज के लोग इकट्ठे कर लेते थे और वहाँ खाली गुणगान करके चले आऊँ। तो हमने कहा जा रही तो मैं फंस गया उल्टा सीधा, तो भारतीय जी को लोग मिल सके आया वहाँ से क्योंकि अब उनके पास अब कोई नेता नहीं इसके उनकाज का, मतलब जो मौजूदा जो सत्ता में रह चुके हैं मंत्री रह चुके हैं इस कैटेगरी का कोई नेता नहीं, जो एमपी रह चुके हैं एमपी हैं ऐसा कोई नेता नहीं जो जो चरम पर था। अब बनैया साहब को तो पासवान जी के मीटिंग में हमारी मुलाकात होती थी, पासवान जी सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, उसके बाद मुलाकात अभी हुई है। तो रामविलास पासवान हो गए, अठावले जी हो गए, एक इंदिरा जी हो गए, अब देखने को मायावती जी ने कभी हाथ नहीं रखने दिया, जब मैं चरम पर था तो मेरे पीछे लगा दिया आदमी, हमको गर्व मिला हुआ 60 महीने। तो ये छोड़ दीजिए सपा, लोहा ही लोहे काटता और स्थितियाँ ये बन गई है कि हमारा तो इच्छा ये करती है कि किसी सिरोकार के नेतृत्व में मैं कोई पॉलिटिक्स न करूँ। अंदर की बात बता रहा हूँ अपने मन की, क्योंकि वो हमारा भाव जो है
कब लगाता हूँ, जबकि हमारी संख्या ज्यादा है, चाहे दलित हो चाहे बैकवर्ड हो, अगर हम अपने नेतृत्व में काम करते हैं तो हमारा भाव कम लगाता है। ये मेरे जीवन का मतलब हमारा अनुभव है, इसको आप लोग चिंतन करिएगा। इसका तो बड़ी अजीब सी बड़ी मतलब असमंजस रहता हुआ कि यार इनके साथ, चलो इनके साथ जाते हैं लेकिन पार्टी में नहीं शामिल होंगे, ऐसा कुछ अब मन में बना लिया है। तो परिस्थितियां बड़ी अजीब है, इन परिस्थितियों में आरक्षण बचाना है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ही बचाना है, और अगर संविधान मिट जाएगा तो हम लोग फिर वही झाड़ू पंजे में आ जाएंगे जो हमारी हैसियत थी गाँव में, गाँव के किनारे गाँव। अब तो बड़े बड़े मकान हमारे अच्छे अच्छे हो गए, हमने लखनऊ में मकान बना लिया है, गाँव में भी पक्का मकान बना लिया है, तो अब स्थितियाँ बदल गई। लेकिन अगर बाबा साहब का संविधान कुछ बिगड़ा तो निश्चित समझ लीजिए कि कोई नहीं काम आएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए संविधान को बचाना है, जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। तो जो खाली खाली आरक्षण की बात करते हैं, अभी तक तो हम लोग आरक्षण बचाओ की बात करते थे, फिर अब संविधान बचाओ की बात करने लगे हैं। अगर यही पहले कर लिया होता तब भी गरीब पालिका की पहले डाउट ही नहीं था कि इन लोगों मनवादियों की मानसिकता जो है आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान बदलने की है। जब तक संविधान नहीं बदलेगा तब तक आरक्षण रहेगा। तो इन्होंने सोचा होगा मूल पर मारो, जड़ पर मारो, तो जड़ पे कार्रवाई चालू हो गई है। अगर आप लोग बचाना चाहते हो तो ये बामसेव का छोटा सा अधिवेशन हो सकता है, यहाँ से एक एक व्यक्ति अगर यहाँ से निकल जाए, अगर वो सौ सौ आदमी से केवल बता दे कि भाई वो बामसेव का अधिवेशन था राष्ट्रीय, और उसमें आदमी भले कह दो आदमी तो कम थे लेकिन जो थे उन्होंने ये बात बताई कि अगर ऐसा ना, मतलब लोग बहुत कहते हैं कहाँ हुआ, तो कहेंगे ये विकलम में हुआ, तो कहेंगे हम विकलम में तो पचास ही आदमी जगह, तो जगह मतलब नहीं रखती है, वहाँ बात क्या होगी ये मतलब रखती है। इसलिए आप लोग अगर आप चाहें तो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सौ सौ लोगों से इस कार्यक्रम के लिए बताएं, और कोशिश ये करें कि अपने हर गांव में, अगर आप किसी मोहल्ले में तो मोहल्ले में आप ऐसे मीटिंग करें, यहाँ तो मोहल्ले में इकट्ठा हो सकते हैं, अगर इकट्ठा मोहल्ले में हो जाएंगे तो मोहल्ले वाले तुरंत आपकी गिनती करने लगेंगे। अगर अपने मोहल्ले में आपने ऐसा ही एक कार्यक्रम कर दिया तो आपकी गिनती मोहल्ले में होने लगेगी, और जब मोहल्ले में गिनती होने लगेगी तो जो क्षेत्र का नेता है वो भी घबराएगा, और कोई भी चाहे इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो फिर आपको आपको उसे सलाह देनी पड़ेगी। तो साथियों बातें बहुत तमाम हो गई, में आपको कुछ सीख के जाना है, कुछ लेके जाना है, तो आप कम से कम यही बताइए कि वहां पर ये आदमी थे और संविधान बचाने की का एक प्रस्ताव आयोग हुआ है, तो लोग बहुत नहीं कहें कहा संविधान जा रहा है, जो कहें संविधान कहा जा रहा है, तो उनको तो भाई बैठा बताए, उनको बैठा ही बताए कि ये यही स्कीम चल रही है कि अगर ये इतने से गिरा देंगे यहाँ तो अगले अगर पार्लियामेंट में किसी भी जुगाड़ किसी भी तरीके से अगर वो सत्ता में आ गए तो निश्चित रूप से आपकी कम सत्ता नहीं हो, आपकी ज्यादा हो, तो संख्या ज्यादा होगी, जब बहुमत का बहुमत से ज्यादा हो जाता है ना, वो एक बहुमत होता है, अगर उनका अकेले का बहुमत हो जाएगा किसी स्थान में नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो संविधान को अटैक करेंगे, और जब संविधान में अटैक करेंगे तो आप कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और फिर वही तीन ही दशा में आप लोग चले जाएंगे। इसलिए भैया जो भी आपने तरक्की की है, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की देन से की है, आरक्षण से की है, जो भी हमारे इंजीनियर डॉक्टर बड़े 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 परिचर बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग बने हैं वो सब कुछ आरक्षण दे, अगर आरक्षण ना होता तो हम लोग कहीं यहाँ बैठे दिखाने पड़ते, न मन से बोलते दिखाई पड़ते, ना अपनी बैठ बात कर पाते, ना हमारी बात को सुन पाते। तो जो कुछ भी देन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, उनका लिखा हुआ संविधान जो है उसको ये मनवादी व्यवस्था हर तरह से कहती नहीं कहती कहते कुछ है
करते कुछ हैं, कभी भी मैं भरोसा न करो और ये निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि इससे इसी से उनका राजपाट वापस आएगा, वरना स्थितियाँ बदल रही हैं, उनको हमारे साथ बैठना पड़ता है। पहले उनका बैल सुना पड़ता था, अब हाथ मिलाने लगे हम लोग, तो हाथ मिलाते हुए भी उनको कष्ट होने लगा है। अगर अपने गांव में किसी ब्राह्मण से हाथ मिलाओ तो हाथ नहीं मिलाएगा पैसा, ये तो लखनऊ में आके दिल्ली में आके हाथ मिला लेता है। तो परिस्थितियाँ बड़ी अजीब हैं, तो इन परिस्थितियों को आप समझेंगे तभी आपकी तरक्की हो सकती है, और जब तक आप ऐसा सोचेंगे नहीं, ऐसा अपने साथियों को बताएंगे। अब आज मीडिया में भी आपके लोग हैं, अभी कार्ड देखा मैंने, मीडिया में भी लोग आपके लोग हैं, मैं आकाशवाणी में भी नौकरी कर चुका हूँ, मैं तमाम विभागों में चौथी का मैं रिटायर हूँ, बताया था मैंने, वो पंजाब में भी कर चुका हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में कर चुका हूँ। तो मैंने देखा है हर जगह, जो भी हर जगह हमारे लोग पहुँच चुके हैं, हर जगह संगठन बने हुए हैं, हमारे पास से कुछ साथियों के हर विभागों में घुस हैं, हर विभाग का एक एक आदमी, जो हर विभाग का एक एक आदमी है उसको फिर से, क्योंकि एक बार वो जमाना निकल गया उसका फायदा गरीबी को मिल गया, एक बार गाँव से बना तो उसका फायदा दूसरे में मिला, लेकिन तमाम प्रांत खाली है, तो एक प्रांत से काम चलेगा नहीं, सबसे प्रांत से सबसे बड़े प्रांत से फायदा मिला, लेकिन उसका फायदा पूरे राज्य में लगता था कि देश में सरकार बन जाएगी हमारी, लेकिन कुछ तमाम कमियां रही, तमाम अच्छाइयां रही, इनकी वजह से हम आगे बढ़े, तमाम कमियां रही इसलिए हम लोग पीछे चले गए, अब हमको सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप अगर आपको अपना संविधान आरक्षण बचाना है, अपने को सम्मान सम्मान के रूप में अपनी जिंदगी निकाली है, आने वाली पीढ़ी की जरा भी आपको ध्यान है, तो निश्चित रूप से आपको संविधान बचाने के लिए आज से यहाँ तय करके जाइए, पढ़ करके जाइए, सुनिश्चित करके जाइए कि अपने मोहल्ले में भी एक कार्यक्रम करेंगे, इनमें से कोई एक आदमी वहाँ बुला लीजिए, उसको मतलब अतिथि बना लीजिए, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, अगर रिलेवेंट करना चाहे तब भी करिए, कोई आदमी स्टेट को बुला लीजिए, स्टेट में करना हो तो राष्ट्रीय लेवल का बैलान साहब को बुला दीजिए, तो वहाँ तमाम सालों को मैंने खबर भेज दी है, बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए हैं। तो अभी एक संस्था जो है उसने सारू से हमारे पास वो आया है, व्हाट्सएप पर फिगर आई मैंने, 54 लोगों की फोटो छपी है, 54 समाज सेवी लोगों की फोटो छपी है, तमाम स्टेट से, किसी स्टेट दो है, किसी से चार है, किसी से पाँच है, किसी में एक तो नहीं है, उसमें चौथे नंबर पर मेरा फोटो छपा हुआ है। तो एक साथी ने बताया कि भाई एक साथी की आपने बड़ा सामाजिक काम किया है, पूरे देश में आपका चौथे नंबर पर नाम है, और आपको इंग्लैंड आपका नाम भेज दिया गया है, पासपोर्ट बनवा लीजिए, वहाँ सम्मान होगा वहाँ। तो हमने कहा वहाँ सम्मान से क्या होगा यार, जिस संस्था ने इसको इसका पूरे देश में भरभर करके इसको एकत्र किया, उसका नाम बताइए तो मैं उससे मिलूँ, अगर इंडिया में कुछ करना चाहते हो तो ठीक है भाई, वो विदेश में सम्मान का क्या होगा। तो ये सब गतिविधियाँ चल रही हैं, जो भी अच्छे आदमी हैं वो कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलाते रहते हैं, इसलिए बात से उसके माध्यम से आप भी अपनी गतिविधियाँ चलाएंगे। 25-30 साल पहले हमने ये शुरू किया था, तो वही बड़ा बामसेठ के राष्ट्रीय बैलान की वजह से, पीपू चौधरी जी की वजह से मैं फिर बामसेठ में आज बोलने का मौका मिला। तो